साल की इबादत से मुझे ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। एक मौके पे आका ने फरमाया खम्स मिन अल इबादा किल्लतु तुआम वल कुउद फिल मस्जिद वन नजर इलल काबा वन नजर इलल मुसहफ। आका फरमाते पांच चीजें इबादत में से, कितनी बोलो प्यारे? पांच चीजें। नंबर एक किल्लतु तुआम, कम खाना इबादत। अब जो ज्यादा खाते हैं वो अपना हिसाब खुद रखें। नबी फरमाते किल्लतु तुआम, कम खाना इबादत। नंबर दो वल कुउद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जाते हो मस्जिद? मस्जिद जाते हो आप? आठवें दिन जाते हो गए। कुछ लोग पांच वक्त में जाते हैं। पांच वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? ईमान वालों पर, आप पर। नबी फरमाते नंबर दो किल्लतु तुआम, नंबर एक हो गया कम खाना, नंबर दो वल कुउद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर तीन वन नजरु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर चार वन नजरु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर पांच वन नजरु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, सैयद साहब किबला। आमना के लाल अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है ना, अगर कोई आलिम आलिमन औ मुतालिमन, तालिबे इल्म का भी जिक्र है हदीस में। आका फरमाते अगर कोई आलिम या मुतालिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह। ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं, इन्होंने इतने ढेर सारे उलमा, मैं तो गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर। और अभी नवासे मुजाहिद मिल्लत नवासे सरकार तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, समझे? ये मुबारकबाद के लायक है कमेटी वाले। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते अगर कोई पढ़ने पढ़ाने वाला हो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा, आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है पैसे वाला नहीं, दौलत वाला नहीं, कपड़े वाला नहीं, मालों सर्वत वाला नहीं। ये नबी फरमाते हैं कोई मालदार नहीं कहता, नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ाता है और पढ़ता है। सुभान अल्लाह। नबी जिसको बेहतर कह दे तो वही तो बेहतर होगा, बोलो वही होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा? जी बेशक। अल्लाह मुझे हदीस याद आने लगी, जलसे में आओ लोगों। आप चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो जाएं? जी जी, चाहते हो ना? बिल्कुल चाहते हैं। फ्री में, सस्ते में। फ्री का, फ्री का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नोट दो, फ्री का मतलब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, यही वजह है हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं। मगर मैं भी आया तो पीछे मुझे औरतें भी बैठी हुई मिली। याद रखियो, मसला सुन लियो, मजारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। याद रखियो, मजारात पर किसका जाना जायज है? मर्दों का। और जाता कौन है? सबसे ज्यादा कौन जाती है? हिंदुस्तान के सारे जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपटे पड़े हैं, जिन्नात को कोई और काम रहे ही नहीं। अगर 100 औरतें मजार पे होंगी जो कूद रही हैं, खेल रही हैं, पेशी पड़ रही है, जिन्हें भूता खबीज है, उसमें से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ ना कुछ है। और मैं दिया औरत को मजार पर जाना जायज नहीं। बेशक
याद रखना प्यारे, चलो अभी जरा सुनो, ओ लोगो तुम मजार शरीफ पर जाया करो, जाकर के दिल से हाजिरी दिया करो, मांगा करो, मगर अल्लाह वाले की नजरे करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाता। प्यार दुआएं करते हो मगर जलसे में आयो, कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। एक जगह मैं भी बता दूं, एक जगह का एड्रेस बता दूं, जहां तुम चले जाओगे तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं कबूल होगी, 100 के 100% दुआ कबूल होगी। अगर किसी का कारोबार अच्छा ना चलता हो, वहां पर चला जाए जा, मैं बताऊं 100 के 100% दुआ कबूल। किसी की औलाद अगर ना हो तो वहां पर चला जाए जा, मैं बताऊं 100 के 100% दुआ कबूल। बोलो जाना चाहते हो, अगर इजाजत हो तो मैं एड्रेस बता दूं, पता बता दूं। लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों नोट कर लेना, मगर याद रखो प्यारे, यहाँ पर चले गर दुआ हो गई तो तुम्हारी दुआ 100 के 100% कबूल। अगर कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना दामन, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उलमा मौजूद है, इसलिए मैं दावा इतना बड़ा कर रहा हूँ, तो दलील भी इससे बड़ी दूंगा, ऐसी दलील दूंगा कि तुम्हारे चेहरे खिल उठेंगे। अब जरा सुनो, औरतें भी सुन ले, मजार पर जाना जायज नहीं है, मगर जो जगह मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इनका जाना भी जायज है। वो कौन सी जगह है जहाँ पर 100 के 100% दुआ कबूल। सुनने वालों जरा तवज्जो से सुनो, अब मैं एड्रेस बता रहा हूँ, पता बता रहा हूँ, सुनो। वो जगह कोई और नहीं, वो जगह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, वो जगह है माँ बाप। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। प्यारे दलील सुनो, दलील सुनो, ये मैं नहीं कहता, ये वो नबी कहते हैं, जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ अन उम्मती ही। मैंने हदीस पढ़ दी, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की हदीस गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अज़मते वालिदैन शाने मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। अच्छा बात समझ में आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि सवाब भी मिल जाए। पीछे वालों आप भी बोलिए अगर समझ में आ रही हो तो, माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लोग असली चीज को छोड़ देते, बुरा मत मानना, मैं आया तो मुझे भी नोट दे रहे हैं, शायर साहब आए उनको भी देना चाहिए, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है। कई कई 100 नोट ऐसे ही उड़ा जाते हैं, मगर एक मर्तबा ये भी तो देख लो यार, कहीं 100 रुपए की माँ को दवा की जरूरत तो नहीं है। एक मर्तबा इस तरफ भी तवज्जो रखना यार, मैं आया मेरे पाँव दबाना शुरू कर दिए, कोई और पीर साहब आए पाँव, कोई मौलाना साहब आए पाँव दबाना शुरू कर दिए, एक मर्तबा ये भी तो देखना पड़ेगा यार, बाप और माँ रात भर पाँव पिट पिटा रहे, 10 मिनट इनके भी तो हाथ पांव दबा देना चाहिए। क्या पैगाम है जिंदाबाद। कभी तुमने सोचा इन बातों को, गौर किया? मेरी एक एक बात दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, जिम्मेदारी से ये बात बता के जा रहा हूँ, उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। अब जरा सुनो प्यार,
करवाए जाते ताकि हमें कुछ मिल जाए जी। ये तो होता है सही बात। और बाज ये दिखावा जो ना हजरत नाज़िम साहब, ये दिखावा हम जैसे मौलानाओं को भी ले डूबा है और आप जैसे सुनने वालों को भी ले डूबा है। 500 का नोट नीचे रखेगा और आएगा दिखाता हुआ और 10 का दे के जाएगा। ये भी तो एक तरीके का दिखावा ही है बोलो, अच्छा है कि नहीं? देने का तरीका ये है, कुछ लोग आएंगे नोट देने के लिए, थूक लगाएंगे और यूं ऐसे करके, क्या मतलब है इसका? कुछ लोग आएंगे 1 2 3 4, देने का तरीका ये नहीं है। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर ऐसे दो पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब ना हो और सुनने वाला भी डिस्टर्ब ना हो। दाहिने हाथ को दो, बाएं हाथ से पता ना चले। ऐसे देने का अंदाजा, ये देने में कंजूसी मत करना। और ये मत सोचना मैं अपने लिए कह रहा हूँ, बखुदा मैं दिल से बता रहा हूँ। अब सुनो, अल्लाह इसीलिए हम खिदमत करते ताकि हमें कुछ मिल जाए, मगर सुनो तलवार की धार पे चल रहा हूं। मुझ जैसे 1000 मौलाना और बल्कि अच्छे अच्छे पीर भी ले लो 1000, और बुरों की बात मैं नहीं कर रहा, नकलियों की बात तो मैं करता ही नहीं। नकली पीरों के तो मारो गोली, मारी मद्दियों के मुझे पकड़वा दो, समझे? चल रहा है ना नकली पीर भी, हमारे इलाके में बहुत चल रहा है। कम वक्त नमाज तक नहीं पढ़ता जो अल्लाह और रसूल से न डरे वो पीर क्या हो सकता है यार। औरतों ने ना उसका पांव दबा दबा के गोश्त फुलफुला कर दिया। मैं अपने इलाके में कहता हूँ अब ऐसा करो, इस पीर के पांव मत दबाओ, अगर हाथ आ जाए ना 2-3 औरतें जरा मोटी मोटी मिल के उस पीर का गला दबा दो, जो कि मामला ही खत्म हो जाए। अरे जो अल्लाह और रसूल का नहीं है वो हमारा तुम्हारा कहां से होगा? इतना इतना बड़ा नालायक है, इतना बड़ा नालायक है, औरतों से बाकायदा ईद मिल लिया, ईद अल्लाह तुम मत बनो पीर मिला। ये मेरे स्टाफ के ना मुझे हंसने की बात कहनी होती तो मैं इन्हीं को कह लेता हूँ, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है अल्लाह सलामत गले मिला गले। अब ये पीर हो सकता है? अल्लाह अल्लाह अंदाजा बताओ पीर हो सकता? और औरत भी कहती है मेरा पीर बड़ा अच्छा, मुझसे गले मिला गले, इस औरत की भी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अल्लाह 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 जरा सुनो प्यारे, 1000 पीर वो भी अच्छे वाले जी, 1000 मौलाना मुफ्ती वो भी अच्छे वाले। अच्छी और बुरी क्वालिटी तो सब में ही है, सुनने वालों में भी और सुनाने वालों में भी, माफ करना। दुनिया ना ये सही बात, 1000 मौलाना इधर खड़े और तुम्हारे माँ बाप अगर इधर हो, और तुम उनकी खिदमत कर रहे हो, पांव दबा रहे हो हाथ दबा रहे हो, और वो 1000 पीर अगर तुम्हारे लिए सुबह से लेकर के शाम तक दुआएं करते रहे, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो 1 की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिले कबूल नहीं। बेशक हक है, हक फरमाया आपने। अरे यार असली चीज हम भूले पड़े, असली चीज हम भूले पड़े। जलसे में आके कहेंगे नारे तकबीर नारे रिसालत नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, और घर कह गया मगर बैठी थी और अम्मा से लड़के आया, अम्मा से लड़के आया, अल्लाह अल्लाह अम्मा का कहना नहीं मानता। अल्लाह अल्लाह कमेटी वालों तुम भी सुन लो, बच्चों जलसा करने कराने वालों सुनो, नबी फरमाते मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जलसा करते उनका जलसा कबूल नहीं होता, नमाज पढ़ते नमाज कबूल नहीं, रोजा रखते रोजा कबूल नहीं। जलसे में आने वालों सुनो, मौला नबी और मैं भी सब भी सुने, नबी फरमाते हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت کوئی عبادت کوئی عبادت
سنت قابل قبول نہیں اگر تقریر کرے قبول نہیں نعت پڑھے قبول نہیں نعرہ لگائے قبول نہیں جلسہ کرے قبول نہیں نماز پڑھے قبول نہیں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں نبی سے پوچھو کون ہے نبی فرماتے ہیں الا قولی والدی نبی فرماتے ہیں جس کی نماز قبول ہے روز قبول ہے زکات قبول ہے حج قبول ہے کوئی عبادت قابل قبول ہے وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماں باپ کا نافرمان جو ماں باپ کو ستاتا ہے جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے جو ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے آقا فرماتے ہیں نہیں ہے اس کی کچھ بھی قبول اور کوئی مائی کا لال اگر اس حدیث کو رد کر دے تو منہ مانگا انعام کیونکہ جو بات کہہ کے جاؤں گا ڈنکے کی چوٹ پہ اور صاف ستھری کہہ کے جاؤں سبحان اللہ کوئی بھی لپیٹے والی نہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے کرم 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 سمجھ میں آ رہی بات جی آج یہ نوجوان اپنی ماں کو ایسے گھور کے دیکھتا تمہیں معلوم ہے پیارے جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس ماں کو کتنی تکلیف ہوئی تھی ذرا غور کرو پیٹ میں کسی کا اگر پتھری ہو جائے ایک دو دن اگر پتھری ہو جائے تو اسے چین نہیں پڑتی الٹراساؤنڈ دوائی پر دوائی خالی چھوٹی سی پتھری کتنے کی بولے 8 mm کی 10 mm کی 18 mm چھوٹی سی اور ہماری اور تمہاری ماں نے ہمیں اور تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا پیارے جی گردہ چاہیے پیٹ میں رکھا 9 مہینے پیٹ میں اللہ اللہ ذرا یاد کرو اگر آج تم توبہ کر کے گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے بے شک حق ہے بولو میرے ساتھ میں توبہ کرو گے سب لوگ ایک نوجوان حضرت کیسا نوجوان تم آئے ذرا سن لینا اگر وہ ہاتھ میں آگ لے لینا آگ علماء کرام تو اس کے ہاتھ نہیں جلتے اگر اپنے دامن میں وہ آگ لے لینا دامن میں تو اس کا دامن نہیں جلتا اگر وہ آگ پہ چلے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے آپ کے گاؤں میں اگر کیا نام ہے اس بستی کا ملی سرا اگر ملی سرا میں کوئی آ جائے ایسا جو آگ پہ چلے پاؤں نہ جلے ہاتھ میں آگ رکھے دامن آدھا گاؤں تو مرید ہو ہی جائے گا اگر ایسا کوئی آ جائے اللہ اللہ لوگ اس سے دعائیں کرا رہے اپنی اپنی دکانوں پہ لے جا رہے مکانوں پہ لے جا رہے پھکوا رہے پانی دم کرا رہے سر پہ ہاتھ رکھوا رہے رکھوانا چاہیے مگر ایک دن پرانا دوست مل گیا وہ کہنے لگا او بھائی ذرا بتا تو نے کون سا عمل ایسا کیا کہ آگ تجھے نہیں جلاتی ہے او نوجوانوں ملی سرا کے غیور مسلمانوں یا آس پاس کے آنے والوں آج تمہیں تقریر سن کے توبہ کرنی پڑے گی انشاءاللہ بولو اب ذرا سنو وہ نوجوان نے کہا بول تیرے ہاتھ کیوں نہیں جلتے پاؤں کیوں نہیں جلتے تو وہ لڑکا کہنے لگا اس لیے میری زندگی تو جانتا کہ میں ایسا انسان تھا پہلے پورے گاؤں میں سب سے بڑا غنڈا میں تھا سب سے بڑا لپنگا میں تھا سب سے بڑا شرابی میں تھا سب سے بڑا جواری میں تھا بہت بڑا گنہگار تھا مگر ایک لڑکی نے میری زندگی بدل دی کس نے بولا ایک لڑکی نے آج میری بہنیں ہیں شادی میں دیکھ لیو دوپٹہ اوڑھتی نہیں جب تک اس کے بال نہ دکھے اس کے کلیجے کو سکون نہیں ملتا کریم پاؤڈر الٹی سیدھی لگا کے 50 آدمیوں کی بارات میں ادھر گملے کے پاس کھڑی ہوئی سیلفی لے رہی ہے سیلفی نہ باپ کو خبر ہے میری بیٹی کس حال میں نہ ماں کو خبر ہے سب ٹھٹے مار رہے ہیں نہ جانے کتنی لڑکیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کرتی ہیں باپ کو پتہ نہیں ہے اگر ابا کو پتہ نہیں ہے تو اما کو ضرور پتہ ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کس سے بات کر رہی ہے
नहीं है पता माँ को? पता है। मेरी बेटी चैटिंग किससे कर रही है? मेरी बेटी व्हाट्सएप, फेसबुक सब कहाँ चला रही है? मगर सुनो, वो लड़का कहने लगा, मेरी एक लड़की ने जिंदगी बदलने का कैसे कहा कैसे? वो लड़का कहने लगा, मैं बहुत बड़ा गुंडा था, दूसरी लड़कियों की इज्जत नीलाम किया करता था, उन पे हाथ पैर दिया करता था, यहाँ तक कि मैंने 40-50 गुंडे पाल रखे थे और वो मेरा काम किया करते थे, मैं अपनी बस्ती का सबसे बड़ा डोंग था। वो कहने लगा, लोग मुझसे डरा करते थे, मगर एक दिन ऐसा हुआ, मैं सुबह सुबह नहा धो करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये लड़की कैसे ही घर से बाहर निकला तो सामने एक लड़की आ रही है। कौन आ रही है बोलो? सामने एक लड़की आ रही है। अल्लाह, उसका चेहरा इतना ढका हुआ, एक चादर ओढ़े थी वो, मगर जिस्म पूरा छुपा हुआ। उस चादर से उसका जिसम नहीं दिख रहा था, चादर पे पेमत दिखाई दे रही। जैसे ही उस लड़की ने, उस मर्द ने देखा कि वो लड़की खूबसूरत आ रही है, अल्लाह अल्लाह, इसकी नीयत खराब हो गई। कुछ लफंगे लड़के ऐसे हैं, वो नौजवान सुन ले, जो मेलों में जाते हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जो बिया शादी में जाते हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जो जलसे में जाते हैं, उधर ही जाकर के खड़े होते हैं, जिधर लड़कियां खड़ी होती हैं, वो नौजवान सुन ले, अगर किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में अगर जाते हैं तो उधर ही मंडलाते हुए मिलते हैं, जिधर लड़कियां होती हैं लड़कियों की तरफ ताकते हैं, नजरें पाड़ पाड़ के देखते हैं, इनके बाप ने इनसे क्यों नहीं कहा? लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस नौजवान से कहो, तू दूसरे की बहन बेटी को देखता है क्या? तेरे घर में बहन नहीं है क्या? तेरे घर में माँ नहीं है क्या? तेरे घर में बेटी नहीं है क्या? तेरे घर में भांजी नहीं है क्या? तेरे घर में भतीजी नहीं है? सब कुछ है, मगर इससे कहो, अरे तेरी बहन की इज्जत है क्या? दूसरे की बहन की इज्जत नहीं है? मैं कह करके जाऊंगा, इज्जत सबकी इज्जत होती है, अगर गैर मुस्लिम की लड़की भी है तो उसकी भी इज्जत होती है, मुसलमान की लड़की है तो उसकी भी इज्जत होती है। नबी का गुलाम ये है कि नजरों को नीचे करके चले, नबी का गुलाम ये है कि अपनी गर्दन झुका करके चले। मुसलमान की लड़की नहीं बल्कि हिंदू की लड़की ये कहती हुई नजर आए कि मैं मुसलमानों के मोहल्ले में रहा करती हूँ मगर सेव रहती हूँ, इसलिए मैं उस मोहल्ले में रहती हूँ जिसमें नबी के गुलाम रहते हैं। उनके नबी ने फरमाया है, किसी की तरफ को नजरें मत उठाओ, अगर चलना है तो नजरें नीची करके चलो। और लफंगे लड़कों से पूछो जो आज कंघे लगा रहे हैं, जो आज गले में चैन पहन रहे हैं, जो आज मोबाइलों में तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हैं, और वो लड़कियां जो सर पे दुपट्टा नहीं रख रही है, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बिया शादी में उधर को भागती हैं, जिधर लड़के खड़े होते हैं उधर को ही जाती हैं, ताकि कोई इनके कपड़े देखे, ताकि कोई इनके बाल देखे, ताकि कोई इनका जिस्म देखे, ताकि कोई इनका मेकअप देखे, ताकि कोई इनकी लाली देखे, ताकि कोई इनका क्रीम पाउडर देखे। तुझे पता नहीं है, नबी ने फरमा दिया है, ऐसी औरत की आंखें फोड़ दी जाएंगी और जहन्नम की आग से उसकी आंखें भर दी जाएंगी। और सुन ले मेरी बहन, जरा सुन ले, क्या तू गौर नहीं करती? तू मुसलमान की बेटी है, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मोबाइलों पे चैटिंग करती हैं। मैं उनसे भी कह करके जाऊंगा, जरा इस लड़की की जिंदगी देखो, अल्लाह अल्लाह, इस लड़के ने इस लड़की को घेर लिया, सामने से लड़की आ रही है, इधर सामने से लड़का आ जाता है, लड़की रुक जाती है, उसी लड़के को गुंडे को देखा जो बहुत ज्यादा पापी था, जो सैकड़ों लड़कियों की इज्जत लूट चुका था, उसने अपने पास गुंडे रख रखे थे, जिसकी चाहता था जमीन हड़प लिया करता था, जिसको चाहता था मरवा दिया करता था, जिसकी चाहता था बहन बेटी खिंचवा लिया करता था,
जब इस गरीब लड़की ने देखा इसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल ही दिल में कहने लगी ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, आज इस गुंडे से सामना पड़ गया है, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरे मौला मेरी हिफाजत करना। इस मालदार लड़के ने उस लड़की को घेर करके कहा बोल ऐ लड़की कहां से आ रही है, ऐ लड़की कहां जा रही है, ऐ लड़की कहां रहती है बोल, मैंने तुझे इससे पहले नहीं देखा। ले लड़की रोने वाली आवाज में कहने लगी, इसकी आवाज कपकपा जाती है, कहने लगी ओ भाई मैं तुम्हारी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा उधर पीछे मकान है, मकान भी टूटा फूटा है, मेरे मकान पे छप्पर पड़ा हुआ है। ये इस्लाम की शहजादी की जरा जिंदगी सुनो, ये लड़की कहती है मेरे मकान पे छप्पर पड़ा हुआ है, मगर ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। ऐ मेरा भाई अब मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ, मैं दूसरी औरतों के यहाँ कपड़े लत्ते धोने जाती हूँ, मैं दूसरी औरतों के यहाँ काम काज करने जाती हूँ, मेरे बच्चों को जो मेरे काम काज से जो कुछ मिलता है मैं अपने बच्चों की जिंदगी गुजर बसर करती हूँ। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, उस लड़के की नीयत खराब हो चुकी थी, लड़की देखने में खूबसूरत थी और होती क्यों नहीं, अरे वो इस्लाम को चाहने वाली थी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, वो लड़के की जब नीयत खराब हुई तो वो लड़का कहने लगा ओ सुन ले लड़की, तेरा शौहर नहीं है, तेरा बाप नहीं है, तेरी माँ नहीं है, मगर परेशान मत हो, तू मेरा कहना मान ले, मैं तुझे नोट दे दूंगा, आज से तुझे बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से तुझे काम काज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे ऑफर देता हूँ बोल, तू मेरा कहना मान ले। प्यारो तुम समझ गए होगे उस गुंडे ने क्या कहा होगा, मेरी बहने बैठी है कैसे बताऊं, मगर तुम समझ लेना पूरी बात, उसने बहुत गंदी बात कही थी, उसने बहुत बुरी बात कही थी। जो एक लड़का लड़की से कहने की हिम्मत नहीं रखता है, ईमान वाला हर किस नहीं कह सकता है, आप समझ गए होगे क्या कहा होगा उसने। गलत हरकत के लिए कहा था, कहा तू मेरे साथ गलत हरकत कर ले, बस इससे आगे नहीं बोलूंगा समझ लेना, उसने गलत जुमला कहा मेरा कहना मान ले। लड़की कांप जाती है, लड़की डर जाती है, लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना मौला। वो लड़की रो करके कहने लगी ओ भाई तू कैसा मुसलमान, अरे तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, जरा बोल बोल। नबी ने फरमाया है अगर कोई लड़की कोई लड़का आपस में हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो उनकी कब्र में अल्लाह ताला 99 अस्तहे पैदा कर देता है। और जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं फट जाऊं इसे जिंदा निकल लूं। आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको टूट पड़ूं और इसे चटनी की तरह पीस कर रख दूं। आज वो लड़कियां जो लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग कर रही हैं, जो लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं, मोटरसाइकिलों पे घूमने जा रही हैं, मेले ठेलों में उनके वायदे पूरे हो रहे हैं, और लफंगे नौजवानों आज जो तुम दूसरी लड़कियों के मोबाइल में रिचार्ज करा देते हो, आज जो तुम मोबाइल पे बातें कर रहे हो, मेरी ये तकरीर सुन के जाना और दिल की तख्ती पर नोट करके तौबा करके जाना। वो इस्लाम की शहजादी रो पड़ी और रो करके कहने लगी तू कैसा मुसलमान है, अरे तू मेरी इज्जत लूटने के दर पे है, सुन ले तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। ये लड़का कहने लगा क्या तू मुझे जानती नहीं है, कहा जानती हूँ तू गुंडा है, जानती हूँ तू दरिंदा है, जानती हूँ तू लुटेरा है, जानती हूँ तू इज्जत का लुटेरा है, अरे जानती हूँ तूने कितनों का खून पिया है, कितनी शहजादियों की इज्जत लूटी है, कितनों के कपड़े उतारे हैं, अरे जानती हूँ तू मेरे खून को पी जाएगा, मगर आज सुन ले मैं अपनी जान दे सकती हूँ, मैं अपने खून का एक एक कतरा पा सकती हूँ।
सकती हो मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती हो, नबी को नाराज नहीं कर सकती हो। ओ इस्लाम की शहजादी, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ मेरी बहन, ओ मेरी बहन या मेरे भाई, जो तू दूसरे की बहन बेटी से बातें कर रहा है, अपने समाज को बदल ले, अपने माहौल को बदल ले। दुनिया तुझे कहे कि ये नबी का गुलाम है, अल्लाह अल्लाह। वो लड़की वहां से चली गई, लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा अब पल्लू भी नहीं दिखाया। दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, एक महीना दो महीने नहीं, जब साल गुजर जाते हैं, अब उस लड़की पे आजमाइश आ जाती है, उस लड़की पे इम्तिहान आ जाता है। अल्लाह ने सूखा पैदा कर दिया, कहत साली पैदा कर दी, लोगों का अनाज बंद हो जाता है, लोगों के घर में खाने को नहीं है। अरे गरीब तो गरीब, मीडियम लोगों के घर में खाने को नहीं है। अब यही लड़की है जिसका ना शौहर है, यही लड़की है जिसका ना भाई है, यही लड़की है जिसका ना बाप है, यही लड़की, छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, कह रहे अम्मी, कह रहे माँ 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 हमें कुछ खिला दो माँ। एक दिन हो जाता है इस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जला, ये माँ अपना दामन फैला करके दुआएं कर रही है, मौला मेरे बच्चों की हिफाजत कर ले, मेरे बच्चों की भूख का इंतजाम कर दे। मगर एक दिन गुजर जाता है, ये लड़की से बच्चे कहते हैं माँ हमें एक लुकमा खिला दो माँ, माँ हमें कुछ तो खिला दो माँ, माँ हमसे चला नहीं जाता माँ, माँ हमसे सांसे नहीं ली जाती माँ। अरे वो छोटे छोटे बच्चे कुमला रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भूख के लिए तड़प रहे हैं। ओ इस्लाम के शहजादो, ये माँ है माँ, आज तुम अपनी माँ को कितना सताते हो जरा बोलो, आज तुम अपने बाप को कितना सताते हो जरा बोलो। जरा इस्लाम की तारीख उठा करके देखो, ये इस्लाम की शहजादी अपने तीनों बच्चों को गोद में लेके कह रही है, मेरे लाल मेरे लाल मेरे बेटे मेरे चांद के टुकड़े, अगर मेरे खून की जरूरत है ले लो, मेरे खून का एक कतरा हाजिर है का। माँ 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 हमें कुछ खिला दो माँ। दो दिन हो जाते हैं, माँ ने कहा अच्छा बच्चों बैठो जरा ठहरो। तीनों बच्चों को छोड़ करके माँ मोहल्ले में निकल गई और कहने लगी बहन मुझे कुछ दे दो बहन, मेरे बच्चों की जान बचा लो बहन। सारी औरतें कहने लगी बहन अगर हमारे घर में कुछ होता हम दे देते, हमारे बच्चों का खुद मामला गड़बड़ होने वाला है। कहा बहन हम क्या करें, बच्चे कह रहे हैं माँ हमारी लेकर के आती होगी, माँ बाहर से आती होगी। तीनों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दरवाजे को देख रहे हैं, अरे माँ आती होगी माँ। मगर माँ जब अंदर को आई देखा तो कुछ भी नहीं है। तीनों बच्चे कहने लगे माँ शायद हम अब नहीं बच पाएंगे माँ, शायद हमारी सांसें अब नहीं ली जाएंगी माँ, माँ ऐसा करो माँ 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 अब हमें कुछ तो खिलाना पड़ेगा माँ। इस माँ ने एक हांडी ली, हांडी लेकर के उसमें पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद उस माँ ने उसमें पत्थर डाल दिए छुपा करके, और बच्चों से कह दिया मेरे बच्चों पकाने के लिए मैंने रख दिया है। अरे छोटे छोटे बच्चे चूल्हे के सामने बैठे कभी माँ को देख रहे हैं तो कभी चूल्हे को देख रहे हैं। ओ नौजवानों तुम्हें क्या पता इस माँ ने कितनी तकलीफें उठाई है। अरे ये माँ है माँ, इस माँ ने तुम्हारी लैट्रीन धोई है लैट्रीन, इस माँ ने तुम्हारा पेशाब साफ किया है पेशाब, अरे इस माँ ने तुम्हारी नाक और तुम्हारी रेट थूक साफ किया है, इस माँ ने तुम्हें सीने से लगाया, 9 महीने पेट में रखने वाली ये माँ, अरे इस माँ ने जरा देखो तुमने पेशाब किया, गद्दा जब गीला हो गया तो ये माँ अपनी चादर की तह बना बना करके उस गीली जगह पे रख के खुद लेटी पड़ी है, मगर तुम्हें सूखे में सुलाया। आज जब तेरी बारी आ गई है तो तू माँ को आंखें दिखाता है, बीबी को लेके निकल जाता है और बीबी का हक जताने लगता है। अरे आज सुन के जाना कैसे तुम मुसलमान हो, ये माँ तरसती है मेरा बेटा और बेटा एक मर्तबा नहीं देखता कि मेरी माँ किस हाल में है। माँ उधर कोने में रो रही है,
और ये तीनों बच्चे चूल्हे पे बैठे तसल्ली दे रहे, बड़ा वाला छोटे वाले से कह रहा थोड़ी देर रुक जाओ, हांडी पक चुकी है, दम आ गई है दम। और माँ उधर कोने में चीखे मार रही है, कह रही है मौला तीसरा दिन है, मेरे बच्चों की जान बचा ले। जब काफी देर के देखो हांडी पक चुकी होगी, अरे माँ का कलेजा फट गया। माँ ने कहा चलो मेरे लाल जरा ठहर जाओ, पकने दो, मैं बाहर से आकर के देखती हूँ, हो सकता कुछ सब्जी वगैरह मिल जाए। अरे ये माँ है माँ और ये बाप है बाप, जिसका लाल खून काला हो गया। आज तू साबुन से मुंह धोता है, आज तू तेल लगाता है, एक दिन तेरा बाप भी जवान था, एक दिन तेरे आज तेरे बाप के घुटनों में दर्द है, आज तेरे बाप के कमर में दर्द है, एक दिन तेरा बाप भी हीरो था हीरो, अरे ये जवान था जवान, मगर इसने सारी जवानी तेरे ऊपर कुर्बान कर दी, इस बाप ने सारी जवानी तेरे ऊपर कुर्बान कर दी, औलाद को पढ़ाया काम कराया, अरे इसने पाला है पाला। आज तेरा बाप अगर बूढ़ा हो गया तो तू बाप को देखता नहीं है, अब्बा का वही फटा हुआ तहमत, वही पुराना तहमत, अब्बा के पास चश्मा भी नहीं, अब्बा के पास सही कपड़े भी नहीं, अब्बा बेचारे डर के मारे नहीं कह रहे, तू दवा ला के नहीं दे सकता है। ओ नौजवान सुन के जाना, जरा तवज्जो रखना, ये तीनों बच्चे तड़प रहे, कह रहे माँ माँ हमें बचा लो, कुछ तो खिला दो माँ, अब हमें सांसें नहीं आ रही है माँ। माँ ने अपनी चादर ओढ़ी और ओढ़ के बाहर निकल जाती है, जैसे ही बाहर निकली तो देखा उसी मालदार के घर पे दर, उसी के दरवाजे पे लाइन लगी पड़ी है, जो मालदार गुंडा था, जो मालदार लफंगा था। इस लड़की ने देखा कि उसके घर पे लाइन लगी पड़ी है, जैसे ही लाइन लगी पड़ी है तो जब देखा, कहा कैसी लाइन है, तो लोगों ने बताया अगर जिसके पास जमीन हो तो वो जमीन रख के अनाज ले रहे हैं, किसी के पास सोना चांदी हो तो वो सोना चांदी रख के अनाज ले रहे हैं। मगर सुनो प्यारे, जब इतना कहा तो लड़की के पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, वो गरीब क्या रखे, उसके पास सोना तो सोना, अरे चांदी का छल्ला भी नहीं था, वो गरीब क्या रखे। ओ मेरी बहन जरा तू सोच, तेरे पास सोने के कुंडल हैं, तेरे पास सोने का हार है, तेरे पास सोना चांदी है, मगर फिर भी तू अपने शौहर को सता रही है। जरा इस्लाम की शहजादी से जिंदगी सी, ये इस्लाम की शहजादी अब क्या करे, सोचने लगी। मगर इसने चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद मर्दों की लाइन में खड़ी हो जाती है। अल्लाह अपने जिस्म को दावे पड़ी है, ये इस्लाम की शहजादी, और आज तू अपने जिस्म को खोले पड़ी है, तूने दुपट्टा अपने जिस्म से हटा दिया है, तूने दुपट्टा अपने जिस्म से हटा दिया है, वो इस्लाम की शहजादी अपने जिस्म को हाथों से दबाए पड़ी है और छुपाए पड़ी है, आगे वाले मर्द से इतनी पीछे हटी पड़ी है ताकि जिस्म टच ना हो जाए, और पीछे वाले मर्द से थोड़ी आगे छुप के खड़ी है ताकि जिस्म टच ना हो जाए, और तू कैसी इस्लाम की शहजादी है, मर्दों में टकरे मारती हुई निकल रही है, गोलियां मारती हुई निकल रही है, आंखें चलाती हुई निकल रही है। अरे जरा सुन, ये इस्लाम की शहजादी तीनों बच्चों के लिए खड़ी है, चादर ओढ़ के खड़ी हो गई, दिल ही दिल में कहने लगी अरे तेरे पास जमीन नहीं है, तेरे पास जायदाद नहीं है, जरा बोल तू कैसे अनाज लेगी। तो इसने कहा नबी के बच्चों का सदका मांगूंगी, हसन हुसैन का सदका मांगूंगी, आज इन्होंने मेरे बारे में जो कहा, हूँ तो बहुत गुनाहगार मगर दिल से दुआएं देके जाता हूँ, ऐ अल्लाह तू इनको सैयदों का सदका अता फरमा दे, मेरे मौला सबको सैयदों का सदका अता फरमा दे, पंजतन पाक का सदका अता फरमा दे, नबी की औलाद का सदका अता फरमा दे, इस गांव के बच्चे बच्चे को, बाहर से आने वाले मेहमानों को, तमाम शरीकों को, चाहे उलमा हो या अइम्मा हो या शोरा हो या खुतबा हो या नुकबा हो, कोई भी हो मर्द हो औरतें हो, ऐ अल्लाह इन सबको हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा दे।
वो लड़की लाइन में खड़े होके कह रही है, नबी के बच्चे जो करबल में छोटे छोटे छह छह महीने के बच्चे शहीद हुए हैं, उनके खून का वास्ता दूंगी, नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी। इतने में उस लड़के ने, उसी मर्द ने जब बाहर निकल के देखा तो उसने पहचान दिया, अरे ये वही लड़की है जिसपे मेरी नीयत खराब हो गई थी, अब अच्छा मौका है। इसने अपने दो गुंडों को भेज दिया, जरा सुनने की बात है, इसने अपने दो गुंडे आदमियों को भेज दिया और भेजने के बाद कहा, जाओ उनको पकड़ के जरा मेरे पास लेकर के आओ। जैसे ही पकड़ के लाया गया, उस लड़की को पकड़ के ला करके उस गुंडे के कमरे में छोड़ दिया जाता है। ये दोनों चले जाते हैं। वो अब मालदार कहने लगता है, और इस्लाम की शहजादियों, पीछे बैठने वाली सुनो, आज अपने इस भाई का ये पैगाम लेकर के जाना, वो इस्लाम की शहजादी है। अल्लाह अल्लाह, उससे जब कहा, बोल तू क्यों लाइन में खड़ी है, आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे चूल्हे पे हांडी चढ़ी हुई है, उसका इंतजार कर रहे, हमारी माँ आती होगी हमें खाना निकाल के खिलाएगी, हमारी माँ आती होगी मेरे तीनों बच्चे चूल्हे पे पड़े हैं, पता नहीं किस हाल में जिए हैं या नहीं जिए, पता नहीं मर गए या बच गए। अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, रुपया दिया, पैसा दिया है, तू मुझे थोड़ा अनाज दे दे ताकि मैं अपने बच्चों की जान बचा लूं, मुझे अनाज दे दे। जब इतना कहा तो वो लड़के की फिर नीयत खराब हो गई। ये लड़की बोली, अगर मेरे खून का एक कतरा बिका तो मैं तेरा कर्जा उतार दूंगी, और अगर नहीं बिका तो तुझे नबी के बच्चों का सदका मिलेगा, तुझे करबला वालों का सदका मिलेगा, तुझे हसनैन करीमैन का सदका मिलेगा, इंशाल्लाह हौज़े कौसर पे जाम पिएगा। जब इतना कहा तो वो लड़का कहने लगा, सर मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, तेरे बच्चों को जान बचा कर और भी रूपये पैसे दे दूंगा, मगर तू मेरा कहना मान ले। वही गुंडे ने फिर वही गलत बात कही, क्या कही आप समझ गए होंगे, कहा अपनी इज्जत मेरे हवाले कर दे। लड़की कांप जाती है, लड़की थर्रा जाती है, उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, कितना बड़ा जालिम इंसान है। वो लड़की खड़ी हो गई जलाल में आकर के, ओ इस्लाम की शहजादी, आज तू अपने बाप को धोखा दे करके दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बात कर रही है, आज तू अपनी माँ को धोखा दे रही है, आज तू अपने भाई को धोखा दे रही है, आज तुझे तौबा करनी पड़ेगी। और नौजवानों, तुमसे भी कह के जाऊंगा मेरे भाइयों, किसी की बहन बेटी की इज्जत लीला मत करना, किसी की बहन बेटी की इज्जत पे हाथ मत डालना, किसी की बहन बेटी से मोबाइल पे बातें मत करना। इंशाल्लाह तुम्हारी शादी होगी ना तो ऐसी दुआ करके जाऊंगा, तुम्हें ऐसी नेक बीबी मिलेगी, ऐसी नेक बीबी मिलेगी जो तुम्हें दुनिया में भी खुशी देगी और आखिरत में भी तुम्हारा साथ देगी, ऐसी बीवी मिलेगी। और अगर तुमने किसी गरीब की बेटी को बहका दिया, अगर उसको रास्ते से भटका दिया, मुसलमानों बहुत बुरा समाज हो चुका है। नौजवानों, आज इन कमेटी वालों ने जो जलसा किया, हिंदुस्तान के जो टॉप के शायर बुलाए, मुझ गुनाहगार को भी बुलाया है, दिल से पैगाम दे करके जाता हूँ कि आज के बाद तुम्हें सुधरना होगा। मल्ली सराय वालों, तुम्हें बताना होगा कि कोई वारिस नबी भी आया था और आले नबी भी आया था, आ करके हमें पैगाम दे करके गया था। गांव वालों, आने वालों, ऐसी दिल से दुआएं देके जाऊंगा इंशाल्लाह। इन उलमा से भी कह के जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो साथ दोगे, बोलो हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अगर तुमने ऐसे ही साथ दिया तो मैं कह के जाता हूं, दो चार साल में इन शायरों से मिल करके इंशाल्लाह इंकलाब पैदा कर देंगे, इंकलाब पैदा कर देंगे। वो लड़की कह रही है, मेरे बच्चों की जान बचा लो, मेरे बच्चे मर रहे हैं उनको बचा लो, अरे जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। मगर वो कहने लगा, मेरे साथ गलत हरकत कर ले, उसने बहुत गंदी बात बोली, आप समझ गए हो गए। लड़की जलाल में आकर के खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के कहती है, अरे कैसा नालायक इंसान है, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता, रसूलुल्लाह से नहीं डरता, खौफे खुदा शर्मे नबी नहीं है, अरे क्या तुझे पता नहीं है, सुन मेरे तीन बच्चे नहीं, अगर 1000 बच्चे भी अल्लाह ताला
ताला मुझे देगा और सबके साथ मेरे हाथों में अगर दम तोड़ देंगे तब मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते हो, नबी को नाराज नहीं कर सकते हो, अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकते हो। ये इस्लाम की शहजादी है। जब इतना कहा कि मैं इज्जत का सौदा नहीं कर सकती हो, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक हो, जब इतना कहा, ये लड़की खड़ी थी, इसे जलाना जाता है, ये गुंडे को जलाना जाता है, इस नौजवान को गुस्सा आ जाता है, और आने के बाद इस गुंडे इंसान ने इतनी जोर से लड़की को धक्का मारा। अल्लाह, जैसे ही धक्का मारा, वो हमारी इस्लाम की शहजादी, हमारी बहन, वो लड़की चौखट में जाके लग जाती है, उसका सर चौखट में लग जाता है, उसका सर फट जाता है और खून निकल निकल के बहने लगा। बच्चे घर पे इंतजार कर रहा है, हमारी माँ कुछ ला रही होगी और माँ यहाँ उसकी जान पे पड़ी हुई है, इस माँ की इज्जत पे पड़ी हुई है, मगर इस्लाम की शहजादी अपने आप को संभाले हुए है, अब संभाले हुए है। फिर इसने भी बिचारी ने तीन दिन से कुछ नहीं खाया था, उधर बच्चों की टेंशन थी, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, लड़की गिरने वाली थी, चौखट पकड़ पकड़ के बैठ जाती है। इस गुंडे ने दो तीन आदमियों को बुलाया और काई से धक्के मार के इसके घर पे फेंक दो, मुझे इस लड़की की अब जरूरत नहीं है। अरे कैसा इंसान था, उस गरीब बच्ची को, इस्लामी शहजादी को धक्का मारा, उधर फेंका, उधर मारा, उधर फेंका, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा, आज उसके दुपट्टे को फाड़ के फेंक दिया। और इस्लाम की शहजादियों, बड़ी मुश्किल से इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी 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 कुर्बानियां देनी पड़ी है नौजवानों, इस्लाम के साथ खिलवाड़ मत करना, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत को इज्जत समझना। वो इस्लाम की शहजादी को धक्का मार के उसके घर में फेंक दिया, लड़की गिर जाती है, बेहोश पड़ जाती है, घर में आ गई, सर पे दुपट्टा नहीं है, तीनों बच्चों ने देखा हमारी माँ पड़ी है, माँ, तीनों बच्चे तोड़ते हुए आए, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पाल संभाल ले, कह रहे माँ उठ जाओ, माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया है माँ, और माँ को चक्कर आके बेहोश हो गई है माँ, तीनों बच्चे कपड़े संभाल ले, कह रहे माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया, उठ जाओ माँ, हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। ओ नौजवानों, अपनी माँ को तकलीफ मत देना प्यारे, ये माए हैं माँ, तुम्हें मालूम नहीं है इस माँ ने कितनी तकलीफ उठाई होगी, इस बिचारी को खाना अच्छा नहीं लगता जब उम्मीद होती है, इससे बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, इस माँ ने, नबी ने फरमाया, अरे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को ऐसा झटका लगता है, ऐसा झटका कि नौ मर्तबा माँ को कांधे पे बिठा करके हज करने वाले से भी ज्यादा हक बताया। प्यारा, अपनी माँ को तकलीफ मत देना, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे सुन लेना, बर्दाश्त कर लेना, बाप तुम्हारा डांटे बर्दाश्त कर लेना, ये माँ पड़ी है, तीनों बच्चों की सांस अटकी हुई है, फिर भी अपनी माँ का चेहरा छू रहे हैं, कह रहे माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ, माँ हमें खाना निकाल दो माँ। अरे तीनों बच्चे, तीनों बच्चे माँ के सर के सामने बैठे हुए, कह रहे माँ, माँ अपने दुपट्टे को संभालो माँ, ये तीनों बच्चे कभी माँ का सर से दुपट्टा नहीं उतरा था, लेकिन आज माँ बेहोश पड़ी है, बेहोश। तीनों बच्चे रोते रोते, जब एक बच्चा कुमला के गिर जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तीन दिन हो गए थे भूखे, वो भी माँ के ऊपर गिर गया, माँ के गर्दन पे सर रख के गिर जाता है।
अल्लाह जैसे ही गिरा अब वो दोनों बच्चे कह रहे माँ, छोटा वाला भैया को क्या हुआ, उठ के देख लो माँ, माँ जिसे तुम चूमा करती थी इसे उठा करके देख लो माँ। अरे माँ, जब दोनों बच्चों की चीख निकली है, अल्लाह ने करम फरमा दिया, माँ को होश आ जाता है, और माँ जब होश में आती है बच्चों को देखती है तो तड़प जाती है। तीनों बच्चों को गोद में ले लिया, लेने के बाद कहा मेरे शहजादे क्या बात है, कहा माँ माँ अब हम खाना नहीं मांगेंगे माँ, माफ कर दो, अब हम तुमसे पानी नहीं मांगेंगे माँ, मत जाना माँ, तुम्हें किसने मारा है, तुम्हारा सर फट गया माँ, तुम्हारा खून निकल रहा है माँ, माँ बाहर को मत जाना, हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ, हम ऐसे ही मर जाएंगे माँ। अरे कौन माँ होगी जिसका कलेजा नहीं निकलता होगा, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, ये माँ रात भर उसे लिए घूमती फिरती है, ये बाप कभी भद्रक लेके भागता है, कभी जालेसर लेके भागता है, कभी कटक कभी भुवनेश्वर। इस माँ बाप से पूछो, नौजवानों तुम्हें क्या पता है इन्होंने कैसे पापड़ बेले हैं, तुम तो ये समझ रहे हो कि हम इतने ही बड़े पैदा हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्यारे, बड़ी तकलीफें उठाई है, गोद में लेकर बैठ जाती है, मौत का इंतजार कर रही है, अल्लाह अल्लाह। अब तीनों बच्चे प्यार करते हैं, प्यार, तीनों बच्चे प्यार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई गर्दन में हाथ डाला, कोई माँ के बाल पकड़ रहा, माँ के बाल छू रहा, कोई माँ का मुंह चूम रहा, और चूम के कह रहे माँ आज के बाद हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ, आज के बाद कोई चीज नहीं मांगेंगे माँ, मगर माँ सुनो माँ, हमसे तुम्हें वायदा करना होगा, आज के बाद तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, मगर आखिरी बात हम तुमसे मांग रहे हैं वो आखिरी मर्तबा, इसके बाद फिर कुछ नहीं मांगेंगे। माँ कहती है मेरे शहजादों मांगो, माँ कहती है मेरे लाल मांगो, माँ कहती है मेरे प्यारे मांगो, अगर आज मेरी जान मांगोगे, आज अगर मेरा दिल मांगोगे, आज अगर मेरी रूह मांगोगे, आज अगर मेरे खून का एक कतरा मांगोगे तो दे दूंगी मांगो। जब इतना कहा है तो वो माँ कहने लगी मांगो बेटो, तीनों बच्चों ने माँ के गर्दन में हाथ डाला, किसी ने मुंह छुआ, किसी ने बाल छुए, और छूने के बाद जब कहा मांगो, तीनों बच्चे एक सांस होकर के कहते हैं अरे इन बच्चों ने मांगा तो क्या मांगा, कहते हैं माँ आज के बाद हमें खाना नहीं पानी नहीं, माँ ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, हमारी जान ले लो माँ। अरे इन शायरों से पूछो, जब ये माँ के ऊपर कलाम पढ़ते हैं कभी कभी इनके आंसू निकल आते हैं, ऐसा ही नहीं है ये तो घूमे फिरते हैं, हम भी कहां से यहां हैं, मगर हमारी माँ हमारे लिए दुआएं करती होती है, इनकी माँ ये दिलवर शाही, इनकी माँ नाजिम साहब है, सारे उलमा, इनकी माँ दुआएं करती होती है, मेरा लाल मेरा लाल। ये तो नाक पड़ता है नबी की, मगर माँ दुआ करके इसे मकबूलियत के दरवाजे पर पहुंचाने वाली माँ होती है माँ। तीनों बच्चे कह रहे माँ अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, माँ फिर कुछ नहीं मांगेंगे। अरे कौन माँ गला घोटेगी बोलो, क्या घोट सकती है माँ, नहीं घोट सकती है। माँ ने सीने से लगा लिया, तीनों बच्चों को चिपट गई और दबा के चीख निकल गई, कहने लगी है अल्लाह आज ये माँ कितनी मजबूर हो गई है, ये माँ आज अपने बच्चों के सामने कितनी बेबस हो गई है, कितनी लाचार हो गई है। माँ ने दोनों तीनों बच्चों को रखा, और रखने के बाद माँ ने फैसला कर लिया, चलो उसी ईमानदार के घर चलो, अपनी इज्जत उसके हवाले कर दो, अपनी इज्जत नीलाम कर दो, बच्चों की जान बचा लो, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तीनों बच्चों को रख के जब माँ चली मालदार के घर चली, तीनों बच्चे कह रहे नहीं माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ
और नहीं माँ तुम बहुत ही पाकीजा हो माँ, तुम्हारी तहारत की कसम खाया करेंगे लोग माँ। अरे ये जवान थी, छोटे छोटे बच्चे थे, आज तो कई कई बच्चों की माँ हो गई है, मगर फिर भी दूसरों से मोबाइल पे बातें करती है। कैसी कैसी बदतमीज, कैसी बदतमीज ये लड़की हो सकती है? जरा मुझे बताओ, तेरा शौहर घर में है या सऊदी अरब चला गया या बंबई वगैरह चला गया? तू दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूम रही है, मेलो ठेलो में जा रही है, एसएमएस लिख रही है, मेकअप कर रही है दूसरों के लिए। लानत है इसी जिंदगी पर। जरा इस लड़की की जिंदगी देखो, तीनों बच्चों को रखने के बाद जब चलती है, बच्चे कहते नहीं माँ, नहीं माँ तुम्हें नहीं जाना है, मगर लड़की चलती चली जा रही है। इस बच्चों की खातिर माँ ने भीख मांग ली है, भी अब अपनी इज्जत का सौदा करने जा रही है इस औलाद की खातिर। और तुम क्या कर सकते हो? माँ को डांट सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? माँ को रुला सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? माँ पे जुल्म कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? माँ को बदतमीज बोल सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? माँ को नाराज कर सकते हो। कान खोल के सुन ले, अगर तेरी माँ नाराज हो गई, तेरा बाप नाराज हो गया, तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। कितने जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने पीरों के हाथ चूम ले, कितने मौलाना को सर पे बिठा ले, अरे कुछ भी कर ले, जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूँ, यहाँ तक के तुम मस्जिद में सजदे करते करते मर जाओ, खाने काबा की चौखट चूम चूम के मर जाओ, खाने काबा का गिला पकड़ के सर पे रख के मर जाओ। अगर तेरी माँ नाराज, अगर तेरा बाप नाराज, तेरी नमाजें बेकार, तेरे रोजे बेकार, तेरी ज़कात बेकार, तेरा हज बेकार, तेरी दुनिया बेकार, तेरी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते वालिदैन, फरमाने मुस्तफा, फैजाने आला हजरत। प्यारे इन शायरों ने, टॉप का हिंदुस्तान का ये शायर है जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ता है, मगर मेरी तकरीर की वजह से आज रुक गया है। आप जानते हैं, एकदम जब शबाब पे आ जाए, फिर हटना, फिर शबाब पे लाना, कितनी मेहनत पड़ती है। मैं इंशाल्लाह इनके लिए दिल से दुआएं करूंगा। यहाँ तो आज इन्होंने छोड़ा है, मगर इंशाल्लाह ये दुनिया में हर स्टेज पे इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब। ये नदीम रजा फैजी हैं, इतनी कदर करते हैं इज्जत, घंटों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, वरना तो ये मकाम था, लोग चाहते भी हैं इनको सुनना। अल्लाह मैं तो यही दुआ करूंगा, यहाँ भी ये नबी की नात पढ़े और वहाँ भी हमारे नाना के सामने नबी की नात पढ़े और हम सब लोग सुनेंगे। बोलो इंशाल्लाह। आखिरी बात है, सुन ले, मैंने टाइम तो ले लिया है, फिर इंशाल्लाह इनको सुनेंगे। और ये सारे उलमा, आप जानते हैं, आप इनको जानते हैं। प्यारे, अगर किसी के घर में कुरान की एक आयत लिख के लटका दो, कितना नूर ही नूर होता है। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयत करीमा मौजूद है। कुरान पे अगर कोई कपड़ा लग जाए उसे तुम चूमते हो, मजार पे कोई चादर लग जाए उसे तुम चूमते हो, कुरान पाक की रहल अगर लग जाए उसे तुम चूमते हो। अरे ये हाफिज कुरान है, इनके सीने में कुरान है, ये कुरान का कपड़ा है, ये कुरान का जुज़्ज़ान है, ये कुरान की पेटी है, ये कुरान की रहल है। अगर तुम इनको देखोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, अगर इनको चूमोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, अगर इज्जत से इनके लिए खड़े हो जाओगे तो इंशाल्लाह हश्र के मैदान में इनके आका तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे और कहेंगे टूट जाएंगे। आला हजरत ने कहा टूट जाएंगे गुनाहगारों के, फौरन कैदो बंद हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अब जरा सुनो, वो लड़की तीनों बच्चों को रख देती है और रखने के बाद चल देती है, अल्लाह अल्लाह जा रही है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, मालदार के दरवाजे की कुंडी पकड़ ली है उस लड़की ने, मगर दिल में ख्याल आ जाता है, अरे तू अपने बच्चों को बचा रही है, इस्लाम को पामाल कर रही है, शरीयत का खून कर रही है खून। अरे तू क्या है, नबी के बच्चों ने अपने बच्चों को नहीं बचाया था, करबला में इस्लाम को बचाया था नबी के बच्चों ने, हसन और हुसैन, हुसैन पाक ने अपने बच्चों को दे दिया था मगर इस्लाम को बचा लिया था, अब्बास ने अपने बाजू दे दिए थे मगर इस्लाम को बचा लिया था, सकीना प्यासी रही थी मगर इस्लाम को बचा
बचा दिया था, हजरत उम्मे रुबाब शहरबानों ने सब्र किया था मगर इस्लाम को बचा दिया था। अली असगर बीमार रह करके भी, बीमार रह करके भी साबिर रहे मगर इस्लाम को बचा दिया था। सैयदा ज़ैनब के दोनों बच्चे शहीद हुए और मोहम्मद तलवार से कट जाते हैं मगर इस्लाम को बचा लिया था। हजरत कासिम की लाश पर जालिमों ने घोड़े दौड़ाए थे मगर फिर भी इस्लाम को बचा लिया था। हजरत सकीना, आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, ये बड़े बड़े शायर हमारे हाथ चूम रहे, ये आलिम लोग हमारे हाथ चूम रहे। वो तो हुसैन की सगी बेटी थी, सगी करबला में हजरत सकीना, अरबी में उनका नाम सुकैना आता है। हजरत सकीना हम उर्दू में पढ़ते हैं, हजरत सकीना अरे हुसैन की सगी बेटी है। हम कितनी नस्लों के बाद सैयद है, बोलो कितना अदब एहतराम करते हो। वो तो हुसैन की सगी बेटी, करबला में छोटा सा बच्चा गोद में अली असगर, हजरत सकीना की गोद में कह रही है बचान, अब बचान ये 6 महीने का भैया, ये रो रहा था बोलता क्यों नहीं, अब ये मुझे देख के हंसता क्यों नहीं, अब ये मुझसे बातें क्यों नहीं करता। फुफो कहने लगी बेटी अब ये अपने नाना से बातें करेगा, हमसे नहीं करेगा। वो 6 महीने का बच्चा करबला पर रख दिया। हजरत सकीना के जालिमों ने इतनी जोर से मुंह पे तमाचा मारा था, 5 उंगली छप गई थी जब, और इस्लाम की शहजादियों तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा सुनो, वो लड़की कहने लगी, वो लड़की बोली अरे करबला में नबी का चमन लूट गया, नबी का चमन ने कुर्बानी दी है मगर इस्लाम को जाने नहीं दिया, उन्होंने अपने बच्चे दे करके इस्लाम को बचाया और तू अपने बच्चों को बचा रही है, इस्लाम का खून कर रही है, नहीं अपनी इज्जत का सौदा होने नहीं दूंगी। इतने में उसे चक्कर आया, लड़की कुंडी लेकर के गिर जाती है, दरवाजा खुल जाता है, मालदार कहने लगा बोल, देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, बोल कितने रुपये चाहिए, कितने पैसे चाहिए, मगर मेरा कहना मानेगी, अभी जल्दी नहीं है, पहले तू अच्छी हो जा, पहले 2-3 दिन तू खा ले पी ले, अपना चेहरा वगैरह धो लेना। वो गुंडा कह रहा, गुंडा कह रहा कि पहले तू अच्छी हो जा, कहा ले माल दौलत, ले ले माल दौलत कितनी चाहिए। लड़की उठ के बैठ गई, होश में आ जा होश में, अरे मेरा कदम बहक चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मुझे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जो सैयदों की दादी है, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, वो फातिमा जो अली की बीबी है, वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जो जिसका किरदार का जवाब नहीं, जिसकी गुरदार जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसके आमाल का जवाब नहीं, जिसके करेक्टर का जवाब नहीं, जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ारे सैयदो अदनान अश्शेख इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी इल्म की चट्टान, क्या बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तुम भी मिल करके कहना या रसूल अल्लाह मैं गदा, मैं गदा, बोलो मैं गदा, मैं गदा, मैं गदा, मैं गदा। गदा बोलते हैं मांगने वाले को, गदा बोलते हैं साहिल को, गदा बोलते हैं भिखारी को। हम और आप आका के गदा हैं, आला हजरत कहते हैं हम और आप आका के भिखारी हैं, आका से मांगने वाले साहिल हैं, बोलो है कि नहीं है, बोलो मैं गदा तू बादशाह, कौन मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, अल्लाह अल्लाह। जब ये कहा, कहा सौन सौन मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया,
मांगर सौन, अभी तोबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अगर तूने पक्की सच्ची तोबा कर ली, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, जरूर माफ कर देगा। अगर तूने तोबा कर ली और अल्लाह की रहमत बरस पड़ी, तो तेरे समंदर के झागों की बराबर भी अगर गुनाह है, अल्लाह की रहमत पड़ी तो तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वो रहमान और रहीम है, करीम है, सौ कत्ल करने वाले को माफ कर देता है। ये लड़की कह करके चली गई, अपने घर जाके बच्चों को गोद में ले लिया, मौत का इंतजार कर रही है, मगर इधर इस लड़के की दुनिया। अब देखते हैं कौन हमारी इज्जत का सौदा करेगा, अब देखते हैं कौन हमारे कपड़ों को देखेगा। ओ इस्लाम की शहजादी, मल्लीसरा की रहने वाली हो या मेहमान आई हुई हो, तू भी बता दे जो कपड़े जिनसे हमारा जिस्म दिखता है, वो कपड़े जो फैशनीले हैं, वो कपड़े जो इस्लाम के खिलाफ हैं, वो कपड़े जिसे पहन करके नमाज नहीं हो सकती, तो मुसलमान की बेटी ऐसे कपड़ों को चूल्हे में रख देती है, आग लगा देती है, मगर जिस्म पे नहीं डालती है। तू भी दिखा देना कि हाँ मेरा इस्लामी भाई आया था, ये इस्लामी शायर आए थे, इनकी मौजूदगी में ये बात कह के जाता हूँ, आज तू दिल से तौबा कर लेना और आग लगा देना ऐसे कपड़ों में, और तू बता देना आज के बाद हम खाएंगे लेकिन ढंग फातिमा का होगा, हम पिएंगे लेकिन ढंग फातिमा का होगा, हम सोएंगे लेकिन ढंग फातिमा का होगा, हम चलेंगे लेकिन ढंग फातिमा का होगा। ओ प्यारो, अगर हमारी बेटी खाएगी ढंग फातिमा का हो, हमारी बेटी सोएगी ढंग फातिमा का हो, हमारी बेटी चले ढंग फातिमा का हो, उठे बैठे खाए पिए पहने ओढ़े ढंग फातिमा का हो। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के लिए जन्नत हुआ होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, खानदान अहले बैत, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। वो लड़की अब उधर, उस लड़के ने तोबा कर ली, कहा यार ये लड़की कितनी अच्छी है और मैं कितना बुरा हूँ, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है मगर फिर भी उसके बावजूद भी कितना गुंडा हूँ, कितनी शराब, कितनी जुआ, कितनी बदतमीजी करता हूँ। उसने सारी चीजों से तोबा कर ली, और तोबा करने के बाद दो आदमियों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा जल्दी से अनाज ले लो, रुपये पैसे ले लो, लेकर के उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं, चलो उसके बच्चों को बचाना है, कहीं एक आध बच्चा मर ना जाए। अल्लाह अल्लाह, तीनों बच्चों को गोद में लेकर के वो पढ़ रही होगी जिसकी तर्जमानी शायर ने यही कहा होगा, तुम सो जाओ सल्ले अला मोहम्मद कहते कहते, अरे आंख खुलेगी सल्ले अला मोहम्मद कहते कहते, दुरूद पाक पढ़ रही है, लोरियां दे रही है। आज की मेरी बहन गाने सुना सुना करके बच्चों को हंसा रही है, गाने सुना सुना करके बच्चों को छुपा रही है, गाने सुना सुना करके बच्चों को लोरियां दे रही है, ये नबी पर दुरूद के बच्चों को कह रही है तुम सो जाओ नबी का नाम ले करके सल्ले अला मोहम्मद कह करके अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। वो लड़का जब घर में पहुंचता है तो लड़की डर जाती है, लड़की ने सोचा ये मेरी इज्जत लूटने आया है, लड़की ने सोचा आज मेरा खतरा है, लड़की कांप जाती है, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। तीनों बच्चों को एक तरफ किया, छुरी उठा ली और बच्चों की गर्दन के सामने कर दी, कहा अगर मुझे हाथ लगाया तो बच्चों को मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी, इसलिए कभी मेरे दामन पे आग नहीं लगा, कभी मेरे दामन पे दाग नहीं लगा है। अरे कैसी इस्लाम की शहजादी थी, आज मुझे कितना दुख होता है, इनके गलों में दुपट्टा पड़ा होता है, इनका जिस्म दुपट्टों से बाहर होता है, सर पर दुपट्टा नहीं होता, हमारी आपकी बहन बेटी मोबाइल पे चैटिंग करती है, जरा बताओ दूसरों से बातें करती हुई, यहाँ तक कि मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम से कह रही उसका अफेयर चल रहा है, और गैर मुस्लिम की बेटी मुसलमान की बेटी, अरे आग लग जाए ऐसे अफेयर में, इसको तुम प्यार कहते हो, ये प्यार नहीं है मेरे प्यारो, ये प्यार नहीं है मेरे प्यारो, आग है आग। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो लड़की अपनी छुरी लेके बच्चों की गर्दन के सामने अपने कह रही है मार दूंगी मर जाऊंगी, मुझे हाथ मत लगाना। लड़का इतना रोया कहने लगा मेरी बहन छुरी फेंक दो, अरे मैं तुम्हारी इज्जत लूट ले नहीं,
आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। अरे तुमने तो तुमने मेरी दुनिया बदल दी है, तुम्हारी वजह से मैंने तौबा कर ली है। मैं पक्की सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। जल्दी से मैं तो अनाज देने आया हूँ, जल्दी से बच्चों की खबर लेने आया हूँ, जल्दी से पकाओ बनाओ बच्चों की जान बचा लो। लड़की के दिल में दिल पड़ा, उसने छुरी एक तरफ रखी, अनाज लेकर के पकाया बनाया बच्चों को खिलाया। तीनों बच्चे बच जाते हैं और लड़की से कहा मेरे लिए दुआ कर दो। आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज के बाद जिस बहन का कोई भाई नहीं है वो ये भाई मौजूद है। मेरी दौलत के दरवाजे खुले पड़े बहनों के लिए, आज के बाद कोई गलत हरकत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की ने अपना चल उठा करके दुआ कर दी और सजदे में जा करके सैयदों का वास्ता दे करके दुआ की है, करबला वालों का वास्ता दे करके दुआ की है। कहा मौला ये मेरा भाई है, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। आज के बाद ऐ अल्लाह इसे दुनिया की आग और जहन्नम की आग इस पे हराम कर दे। लड़की सजदे में जा करके बोली, ऐ अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था और आगे बढ़ाना तेरा काम। नारे तकबीर। ये लड़की ये लड़का वही है जो अब आग हाथ में ले लेता है तो हाथ नहीं जलते हैं, अगर दामन में आग ले लेता है तो दामन नहीं जलता, हाथ पे चलता है तो कदम नहीं जलते हैं। बोलो क्या था क्या हो गया, क्यों तौबा करने की बिना पर आज इन उलमा की मौजूदगी में मैं अपने आप को बड़ा नहीं बताता हूँ, मगर इस वजह से ये जुमला बोल रहा हूँ। मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, बस नबी से रिश्ते का एक तागा जुड़ा हुआ है। प्यारो आज तुम मेरे साथ में पक्की सच्ची तौबा कर लो तो पता नहीं किस किस की दुनिया पलट जाए। बोलो तौबा करने को तैयार हो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता। अगर तुम बिल्कुल रस्मन करते हो तो हाथ रख लेना और खुदा से खौफ खा करके नबी की मोहब्बत में शर्म नबी में अगर हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से तौबा करते हो तो इंशाल्लाह ये सैयदजादा तुम्हें हश्र के मैदान में इंशाल्लाह अपने नाना के सामने जरूर ये दरख्वास्त रखेगा। इंशाल्लाह बोलो बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाह माफ फरमा दे। आज के बाद तमाम तर गुनाहों से बचते रहेंगे, अच्छाइयों की तरफ कोशा रहेंगे। रख लो हाथ, ऐ अल्लाह इन्होंने तौबा की है मेरे मौला, तू इन्हें माफ फरमा दे। इन शायरों ने सब्र करके अपना वक्त कीमती, कौन नहीं चाहता मैं अच्छे वक्त पे पढूं, मगर आज इन्होंने कुर्बानी दी है। ऐ अल्लाह तू इन्हें ऐसा सैयदों का सदका अता फरमा, इनकी नस्लें आबाद हो जाएं, सारे उलमा की नस्लें आबाद हो जाएं। मेरे मौला परवरदिगार अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे, कोई अगर बे औलाद हो उसे औलाद दे दे, जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए हैं ऐ अल्लाह रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। जिसको जो भी परेशानी हो, चाहे वो मर्ज के एतबार से हो, कारोबार के एतबार से हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, जमीनी हो, आसमानी हो, कोई भी बीमारी हो, पंजतन पाक के सदके में ऐ अल्लाह उस बीमारी उस परेशानी को दूर फरमा दे, मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा दे। ये कमेटी वाले बच्चे इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, कई दिन से लगे रहे, हमारे साबिर भाई भी मेरा दिल पिघल आया, इनको भी आज दुआ दे दूं ऐ अल्लाह, ये भी बड़ी मेहनतें बड़ी कोशिशें बड़ी काविशें बगैर लालच के उलमा से मोहब्बत करते हैं, ऐ अल्लाह तू इनके कारोबार में इनके दीन दुनिया सब में खुशहालियां अता फरमा दे, बरकतें डाल दे। ऐ अल्लाह हम सबको मुजाहिद मिल्लत का सदका अता फरमा दे, और जो हबीब मिल्लत आने वाले हैं, नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत स्टेज पे आने वाले हैं, ऐ अल्लाह तू उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा दे, हासिदीन से उनको बचा ले, महफूज फरमा दे, उनसे हमसे दीन का ज्यादा से ज्यादा काम ले ले। ऐ अल्लाह हम सब में इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा फरमा दे, नमाजी बना दे, हाजी बना दे, इस गांव में बहारें अता
फरमा दे, और जो जो आसपास गांवों से दूर दराज से आए उनके यहाँ भी बहारे अता फरमा दे। जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, मेरे साथ में आप भी तौबा कर ले। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सब लोग पढ़े, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अब शोरा हजरात आएंगे, सब लोग आप इत्मीनान से सुनेंगे। अगर बीच में मुझे जाने की जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा, मगर तुम्हें मैं आज अपने नाना का वास्ता देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा, तुम मेरे लिए खड़े मत होना, मतलब मजमा मत बिगाड़ना। ऐसा नहीं है कि मुझसे मुसाफा करने दौड़ो या मेरे पीछे भागो, मेरे मुसाफिर से ज्यादा अहम मेरे नाना की नात है। अरे हजरत क्या बोलो, जुमले क्या बोलो, जुमले बोलो, बोलो, सही बता रहा हूँ। तुम्हें मुसाफा करने में इतनी दुआ नहीं जितने तुम अगर मेरे नाना की महफिल को ना नज्म और नस्क से अगर मनाओगे तो दिल से दुआएं दे करके जाऊंगा। बस कमेटी वाला एक दो भाई वो उसको इजाजत है जाने की मेरे साथ, ताकि मुझे वहां घर तक ले जाए, ठीक है। बाकी आप लोग बैठे रहोगे, मैं सबको सलाम करूंगा और दिल से दुआएं दूंगा, जवाब दोगे। अब शायरों का नंबर आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमारे दिलवर भाई का कलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।